100 किलोमीटर सफ़र तय करोगे तो बिल्कुल भी पैन होता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। मैंने हैंडल बार को चेंज करवा दिया था गाइस, ड्यूक 200 का हैंडल लगवा दिया था, बट क्या करें उतना अच्छा था नहीं वो। तो आज गाइस वीडियो भगाने वाला बिल्कुल भी नहीं रहेगा, रेसिंग वगैरह वाला सीरियस टॉपिक में बात चल रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल माही ब्लॉग एंड वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो। तो आज गाइस मैं आज बात करने वाला एक सीरियस टॉपिक के ऊपर और यहाँ पर ब्रेकर। तो गाइस एक भाई ने कमेंट किया था मुझे हैंडल बार के बारे में, तो आज इसी के बारे में आज डिस्कस होने वाला है गाइस और इंजन के बारे में। तो चले गाइस हम लोग बात करते हैं पल्सर N160 के हैंडल बार के बारे में, जो कि भाई का ये क्वेश्चन था कि लॉन्ग राइड में हैंड पैन होता है कि नहीं। तो जी हाँ गाइस, बिल्कुल लॉन्ग राइड में हैंड पैन काफ़ी ज़्यादा होता है। 100 किलोमीटर सफ़र तय करोगे तो बिल्कुल भी पैन होता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो मैंने यहाँ पे भाई को बोला था कि KTM Duke 200 का हैंडल आप लगवा सकते हो, बट ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं होता है गाइस उसमें भी। और मैंने इसको वापस से क्यों लगवा लिया, क्योंकि उसमें एक दिक्कत आ रहा था गाइस, उसमें जो ये था वो टूट चुका था। तो ऑनलाइन लिया था अमेज़न से और मैंने काफ़ी वीडियो भी बनाई थी गाइस मॉडिफिकेशन वाली, जिसमें से एक था कि हैंडल बार मॉडिफिकेशन वाला। तो मैंने हैंडल बार को चेंज करवा दिया था गाइस, ड्यूक 200 का हैंडल लगवा दिया था, बट क्या करें उतना अच्छा था नहीं वो। मैं बोल रहा था कि KTM Duke 200 का हैंडल मैंने लगवा चुका था, लगवा लिया था, और उसमें क्या हुआ कि मुझे एक दो दिन चलाने के बाद उसका ये जो है फ्रेम, जो भी बोलते हैं इसको, ये टूट चुका था। तो इसी कारण से मैंने वापस फिर से इसी को ही लगवा दिया, जो कंपनी से लगा लगाया आता है गाइस उसको। और मैंने मॉडिफिकेशन करवाया था गाइस ये हैंड ग्रिप। तो हैंड ग्रिप में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बट ये है प्रॉब्लम कि इसमें वाइब्रेशन जल्दी फील होता है। तो आज गाइस वीडियो भगाने वाला बिल्कुल भी नहीं रहेगा, रेसिंग वगैरह वाला सीरियस टॉपिक में बात चल रही है। तो ड्यूक 200 का हैंडल मैंने लगवा चुका था और फ्रेम उसका टूट चुका था गाइस, इसलिए मैंने उसको सही टाइम में रिटर्न डाल दिया, जो कि रिटर्न हो गया, पैसा वापस आ गया मेरा अमेज़न से, लगभग 1500 रुपये का हैंडल और उसका ये जो फ्रेम था ये था। तो भाई का क्वेश्चन था कि हैंड पेन होता है कि नहीं, तो जी हाँ गाइस बिल्कुल होता है हैंड पेन। और उसको तो ज़्यादा मैंने राइड नहीं किया था, गांव में था तो करवाया था, और उसी बीच वो हैंडल टूट गया, तो इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया गाइस। और जहाँ तक बात रही इसकी, जो कंपनी से लगा हुआ आया है उसको, और यहाँ पे काफ़ी धूल गाइस, गाइस भाई इतना ज़्यादा धूल, निकलते हैं यहाँ से, जो रहा निकल चुके हैं हम लोग। तो इसमें गाइस हैंड ग्रिप मैंने लगवाया है, जैसे कि देख रहे हैं आप वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो ये काफ़ी ठीक ही है प्राइस के हिसाब से, बट यहाँ पे एक दिक्कत यह है गाइस कि लॉन्ग ड्राइव में आप जाओगे, जैसे कि 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर जैसे कि आप जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता है और पेन होता है। वाइब्रेशन तो गाइस मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि 80 से 85 की स्पीड में आप जाओगे, 80 से 90 या फिर 85 जो भी, तो यहाँ पे हैंडल काफ़ी वाइब्रेट होने लगता है और हिलने लगता है, वाइब्रेशन फील होता है दोनों हाथों में। तो ऐसा कुछ इसका डिसएडवांटेज है, हालांकि लुक में सही है बट उतना फ़ायदेमंद नहीं निकला गाइस जितना मैं सोचा था, क्योंकि जो कंपनी से लग के जो आया था वो काफ़ी अच्छा था। और देख रहे हो गाइस कितना ज़्यादा हाई स्पीड। और जहाँ तक बात रही गाइस इसकी इंजन की, तो मैंने यहाँ पे 12000 चला चुका है, 12000 चल चुके हैं मेरी गाइस बाइक। और ये रहा गाइस R15 ब्रेक में मेरा फेवरेट, कैसे देखते हुए अलग ही रिएक्शन। 12000 चला चुका हूँ बाइक, 12000 प्रॉपर चल चुकी है, 12160 होने वाला है, जो कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है इतना ज़्यादा किलोमीटर में। बस एक जो इसका मेजर प्रॉब्लम है वो है चेन गाइस, चेन में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है खटखट खटखट करके, जो कि सही भी हो जाता है टाइट करवाने से, बट फिर से आ जाता है गाइस जैसे ही चेन ढीला होता है, फिर से आवाज़ आने लगता है। और यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा, निकलते हैं इस कोने से। और इंजन की जहाँ तक बात रही गाइस, इंजन काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ है, मज़ा आता है बाइक चलाने में। और 12000 चल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे दिक्कत ये लगी कि इसके चैन में जो प्रॉब्लम है वो, बाकी इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है गाइस। और हैंड पेन की बात है तो हैंड पेन होता है, जैसे कि आप ज़्यादा किलोमीटर सफ़र करोगे तो बिल्कुल हैंड पेन होगा, इसके लिए आपको रुक रुक के सफ़र करना पड़ेगा,
और क्या बोलूँ मैं, यही तो था। इंजन काफ़ी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। और ग्लव्स के बारे में पूछ रहे थे भाई लोग, तो ग्लव्स काफ़ी सही गए, स्टील बट का ग्लव्स है और काफ़ी दिन हो गए इसको, 7-8 महीने हो गए, काफ़ी सही चल रहा है, ना तो फटा है ना तो कुछ हुआ है, देख सकते हो। 550 में या फिर 600 तक के अंदर में मिल जाता है ये अमेजोन में, मैंने अमेजोन से ही लिया था। काफ़ी अच्छा ग्रिप देती है ये भी, देख सकते हो, और काफ़ी मजबूत भी है। काफ़ी कई बार स्क्रैचेस वगैरह आई है बट हाथ में कुछ लगा होगा नहीं है, तो अच्छा है गाइस। प्राइस के हिसाब से सही लगा मुझे, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। और काफ़ी दूर आ गया दोस्तों यहाँ पे घूमते घूमते, शाम का टाइम घूमने के लिए मैं निकल चुका था गाइस, तो सोचा भाई लोग कमेंट किए थे उसका वीडियो बना दूँ डेडिकेटेड, ताकि कोई दिक्कत ना हो। हैंड पेंट काफ़ी ख़तरनाक होता है, इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। ग्लव्स काफ़ी सस्ती है मुझे मिली हुई है, और आज हैंड स्लीव नहीं लगा पाएगा इसके लिए सॉरी, क्योंकि जल्दी जल्दी भी भूल गया मैं। और बाइक मेरी पंचर है गैस, मैंने बनवाई नहीं है, हवा डलवा लिया है, और वीडियो बनाने के लिए निकल गया हूँ, जो कि ट्यूबलेस है तो उतना दिक्कत नहीं है मुझे। हम लोग निकल चुके हैं गैस वहाँ से, काफ़ी दिक्कतें आ जाती है, रुकने से भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक ऑफिसर्स लोगों का कोई ठीक नहीं रहता, मूड भी ऊपर चलते हैं, चाहे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, उनका मूड रहेगा तो आपको पकड़ लेंगे, मूड नहीं रहेगा तो बिना डॉक्यूमेंट का भी जाने देंगे, ऐसा रहता है उन लोग का सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है गाइस कि आप चालान में फंसने वाले हो कि नहीं फंसने वाले हो। तो शाम का टाइम है, यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता मैं जो बिल्कुल ही। ये रहा हमारा आज का ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगे, जो कि भाई लोग के माइंड में जो भी डाउट था मैंने क्लियर कर दिया है। और जैसे कि आपके माइंड में जो भी डाउट रहता है N160 से रिलेटेड, मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो ला पाऊँ, जो कि आपकी प्रॉब्लम के सलूशन हो जाएगा। और काफ़ी दिनों से मेरे पास बाइक है गाइस, 10-11 महीने हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक रिव्यू ले ही आऊँ,